नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपिका। इस वीडियो में हम दांतों में होने वाले दर्द के कारणों की बहुत ही सरल भाषा में बात करेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि उनका क्या इलाज संभव हो सकता है, और अगर स्थिति अभी ऐसी है कि अपन डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते हैं तो घर पर उसके लिए क्या किया जा सकता है, घर पर इसका इलाज संभव है या नहीं है, और अगर है तो क्या हो सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रोशन। तो आगे इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं टूथ डिके या दांतों में गलन होने की वजह से। दांतों में गलन होने की वजह से, दांतों में कैविटी होने की वजह से दांत में जो दर्द होता है उसको आप सहन नहीं कर सकते, वो बहुत तेज़ होता है। तो ये होता क्यों है? जब आप खाना खाते हैं उसके बाद साफ़ सफ़ाई अच्छे से नहीं करते, कुल्ला अच्छे से नहीं करते, दो टाइम ब्रश नहीं करते, मीठा खा के अच्छे से कुल्ला नहीं करते, तो मुंह में जो कीटाणु होते हैं वो दांत की सतह को गलाना शुरू कर देते हैं। वो गलाते गलाते जब बीच वाली सतह में चले जाते हैं जहाँ पे अपनी नसें होती हैं, तब आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप डेंटिस्ट के पास नहीं जा पा रहे हैं और आप घर पे इस पेन को कम करना चाहते हैं, दर्द को कम करना चाहते हैं, तो टेम्परेरी इसके लिए अपन बात करें तो जहाँ पे कैविटी हो रखी है उसको आप साफ़ रखें, उस पर अच्छे से ब्रश करें। दूसरा, आप उसके ऊपर लौंग के तेल या पेन आउट जेल करके आती है तो वो आप उस पर एक बूंद डाल लें, जिससे कि आपको टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा। और आप नमक के पानी के कुल्ले करें और जिस साइड कैविटी हो रखी है उस साइड से खाना ना खाएं, इससे आपको एक बार टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा। बाकी मेरी सलाह यही है कि जितनी जल्दी हो सके आप डेंटिस्ट को दिखाएं। हो सकता है उस दांत में आपको रूट कैनाल करवाना पड़े, तो रूट कैनाल पे हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसका ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप वहाँ जाके उसकी डिटेल देख सकते हैं। रूट कैनाल कराने के बाद आपके दांत की लाइफ बढ़ जाएगी। दूसरा है डेंटल फिलिंग। दांत की गलन को हटाने के लिए उसमें फिलिंग की जाती है, जिसको कि नॉर्मल भाषा में सब लोग दांत में मसाला भरना बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये सक्सेसफुल रहती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फिलिंग करवाने के बाद में सेंसिटिविटी जैसे कि ठंडा गर्म, खट्टा या फिर दर्द होने लग जाता है। तो उस कंडीशन में क्या किया जाए, जब आपने फिलिंग करवाई हो और डेंटिस्ट के पास जाना आपका भी पॉसिबल नहीं हो, तो ऐसा घर पे क्या किया जाए कि आपको एक बार टेम्परेरी रिलीफ आ जाए। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि फिलिंग के बाद में क्या क्या दिक्कत आ सकती है। आपको दांत में दर्द हो सकता है, मसूड़ों में दर्द हो सकता है, चबाने पर दिक्कत आ सकती है, ठंडा गर्म लग सकता है। तो इसके लिए अपन घरेलू उपाय क्या करें कि एक बार अपन को आराम आ जाए। बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत ज्यादा गर्म ना खाएं, कुछ भी खट्टा न खाएं, जैसे कि नींबू हो गया, खट्टे फल हो गए, कोल्ड ड्रिंक हो गया। ब्रश हल्के हाथों से करें, लेकिन दोनों टाइम करें। डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट यूज़ करें। जिस साइड के दांत में आपको दर्द हो रहा है उसके दूसरे साइड से खाना खाएं, उसी दांत से खाना नहीं खाना है। ये सारे उपाय आपको एक बार के लिए आराम दे देंगे, लेकिन उसके बाद आप लापरवाही बिल्कुल नहीं करें। तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज करवाएं। अगला है क्रैक्ड टूथ, मतलब कि दांत में दरार या दांत का टूट जाना। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी भी वजह से दांत में दरार आ जाती है या फिर दांत टूट जाता है, तो उसके बाद दांत में सेंसिटिविटी या पेन चालू हो जाता है। अब ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए कि अपन को ये दिक्कत हो भी रही है और अपन डेंटिस्ट के पास जा भी नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में अपन कुछ घरेलू उपाय कर सकते हैं जिनसे अपन को एक बार टेम्परेरी आराम आ जाए, लेकिन वो परमानेंट नहीं होता है। बहुत से लोगों के दांतों में दरारें होती है लेकिन उनसे दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब इससे दिक्कत होने लग जाती है तो इसका इलाज करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उस दांत को बचाया जा सके। इसमें दो कंडीशन हो सकती है, पहला सेंसिटिविटी हो सकती है, दूसरा पेन हो सकता है। तो सेंसिटिविटी होने पे क्या किया जा सकता है? सेंसिटिव टूथपेस्ट यूज़ करें, बहुत ज़्यादा ठंडा या गर्म नहीं खाएं, ब्रश को हल्के हाथों से करें लेकिन दो बार करें। अगर मुंह खोलने पे आपको बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है तो मुंह पे कपड़ा बांध के रखें, कुछ भी ज़्यादा खट्टा ना खाएं। दूसरा है, अगर दांत में दर्द हो तो क्या करें? तो उसके लिए ये है कि दांत पे अच्छे से ब्रश करें, हल्के हाथों से ब्रश करें, लौंग के तेल की बूंद को अपने दांत पे लगाएं। जिस साइड में आपके दांत में दर्द है उस साइड से खाना नहीं खाएं, दूसरी साइड से खाएं। कुछ भी कड़क चीज़ अपने दांत से नहीं तोड़ें। दांत का कोई हिस्सा अगर टूट के हिलने लग गया है तो उसको खींचना नहीं है, ना ही उस पर बार बार हाथ लगाना है। ये सारे टेम्परेरी इलाज है, इनसे एक बार आपको आराम आ जाएगा, लेकिन
जब भी संभव हो डेंटिस्ट के पास जाएं और अपना इलाज करवाएं। अगला है डेंटिन सेंसिटिविटी। डेंटिन सेंसिटिविटी मतलब कि ठंडा, गर्म, खट्टा ये सब लगना। डेंटिन सेंसिटिविटी पर पहले हमने एक वीडियो बना रखा है जिसका ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा है, आप इसे वहां देख सकते हैं। इस वीडियो में यहां पर हम केवल घरेलू उपायों के बारे में बात करेंगे जिससे कि आपको एक बार टेम्परेरी आराम आ जाए। बहुत ज़्यादा ठंडा या गर्म नहीं खाएं। ब्रश को हल्के हाथ से करें। सेंसिटिव टूथपेस्ट यूज़ करें। बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं खाएं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गया, नींबू हो गया, ये सब एक बार के लिए अवॉइड करें। ब्रश करने का तरीका सही रखें जिससे कि क्या हो, आप जो सेंसिटिव टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं वो दांतों की सारी सतह पे लगे और उससे आपको अच्छे से आराम आए। अगला है मसूड़े की बीमारियाँ या इन्फेक्शन। अगर आपके मसूड़े से खून आता है, पस आता है या मुंह से बदबू आती है तो इसका मतलब आपके मसूड़े स्वस्थ नहीं हैं। मसूड़े की बीमारियों और उसके इलाज के लिए हमने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक ऊपर आई बटन पे आ रहा है, आप इसे वहां देख सकते हैं। ब्रश दो बार करें, हल्के हाथों से करें, नमक के पानी के कुल्ले करें। ब्रश करने का तरीका सही रखें। ब्रश करने के तरीके पे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया है जिसका ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप इसे वहां देख सकते हैं। उसी तरीके से ब्रश करें ताकि दांत में खाना फंसा नहीं रहे और उनकी साफ सफाई अच्छे से हो। अगला है इम्पेक्टेड विस्टम टूथ या अक्कल दाढ़। अक्कल दाढ़ की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन होती है, इसकी वजह से काफी सारी परेशानियां आती है। तो अपन ऐसा घर पे क्या करें कि इसके लिए अपन को टेम्परेरी आराम आ जाए। अगर मुंह आपका कम खुल रहा है तो खाने के छोटे निवाले लें, धीरे धीरे खाएं। ब्रश अगर अच्छे से नहीं हो पा रही है तो जो बच्चों की ब्रश होती है वो यूज में लें। उसका हेड जो होता है वो छोटा होता है जिससे कि वो आगे की तरफ अच्छे से जा पाता है और उसकी वजह से साफ सफाई अच्छे से हो पाती है। नमक के पानी के कुल्ले करें। ब्रश बिल्कुल भी नहीं छोड़ें। अगर दर्द होता है ब्रशिंग पे तो हल्के हाथ से ब्रश करें। जहाँ पे अक्कल दाढ़ आ रही है वहाँ पे खाना बिल्कुल भी नहीं फंसने दें। साफ सफाई का अच्छे से ध्यान रखें। अगर दर्द इतना ज्यादा है कि आपका मुंह खुल नहीं पा रहा और आप खाना नहीं खा पा रहे हैं तो लिक्विड भोजन लें, जैसे कि खिचड़ी, दलिया, ये सब आप कम मुंह खुले तब भी खा सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम बनाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आए, और वीडियो को शेयर करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन सभी को मिले। थैंक यू।